हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्राम हाउ टू ट्रांसलेट। दोस्तों, आज हम आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताते हैं, कैसे अनुवाद करते हैं एक्सक्लेमेशन का। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है कि ये विस्मय, आश्चर्य। तो आज हम कुछ ऐसे वाक्यों का अनुवाद जानेंगे जिसमें आश्चर्य, क्रोध, हर्ष, दुख आदि का बोध होता है। आश्चर्य भाव की अभिव्यक्ति एक शब्द या एक से अधिक शब्दों के जरिए से किया जाता है। जैसे अगर कहें कि बेवकूफ़, तो बेवकूफ़ को कहते हैं फूल, लेकिन कहने का लहजा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फूल, फूल, बेवकूफ, फूल। यू, स्टॉप। हाउ, तो बेवकूफ, तुम रुको, कैसे। तो ऐसे यू हैव टू चेंज द टोन, आपको टोन चेंज करना होगा। सबको एक सपाट नहीं कहते, हिंदी या अंग्रेजी किसी में एक के जब फीलिंग्स को प्रदर्शित करना होता है तो सपाट नहीं कहा जाता। हिंदी में तो कुछ है इस तरह से, लेकिन अंग्रेजी में तो इसका प्रचलन बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू से फूल, यू स्टॉप, हाउ, ऐसे करके, कैसे, रुको, तुम बेवकूफ। अच्छा, फिर इसके बाद हम दो वर्ड्स को लेते हैं, दो शब्दों को। जैसे तुम धोखेबाज, तुम धोखेबाज। यू चीट, तुम धोखेबाज। यू चीट, तुम बदसूरत। यू अगली, तुम ब्रूटस। यू ब्रूटस, यू ब्रूटस, कितना मूर्ख। हाउ सिली सी, हाउ सिली, हाउ सिली इज सी, कितना मूर्ख, हाउ सिली। तो इस तरह से देखते हैं कि इसके कहने का टोन जो है थोड़ा चेंज कीजिए, कहने का टोन को आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी एक्सक्लेमेशन होगा ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसका भी जो टोन होता है चेंज किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी जो वाक्य होता है, विस्मयवाचक वाक्य, उनके भी टोन जो है चेंज होते हैं। तो जैसे अभी हमने आपको बताया फूल, यू स्टॉप, हाउ, यू चीट, तुम धोखेबाज, तुम बदसूरत, यू अग्ली, यू ब्रूटस। ब्रूटस एक एक्टर का नाम है जो अपने दोस्त के साथ गद्दारी किया, तो मिल करके गद्दारी किया। तो यू ब्रूटस, कितना मूर्ख, हाउ सिली, हाउ सिली, कितना मूर्ख, हाउ सिली। तो ये जो है एक्सक्लेमेशन एक भाव को व्यक्त करता है। जैसे हैमलेट में है कि कितना मासूम, कितना अजूबा आदमी है, आदमी कितना अजूबा है। व्हाट पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट पीस ऑफ वर्क इज मैन, अजूबा, व्हाट पीस ऑफ वर्क इज मैन। कहने का तात्पर्य कि कैसा अनोखा आदमी है। तो कहने का इसका तरीका होना चाहिए, तभी तो लगता है कि ये चीज़ बोल रहे हो। लिखना कोई उतना नहीं, लिखने से ज़्यादा जो है इसको बोलने में प्रयोग होता है, और कैसे बोलते हैं। जैसे व्हाट पीस ऑफ वर्क इज मैन, एक्सक्लेमेशन, इसमें नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। एक ऐसे इसको ऐसे
ऐसे और फिर ऐसे, ये नो डाउट एक्सप्लेनेशन। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, आदमी कितना जुबा है। और हैमलेट में हैमलेट बोलता है कि व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन। और फिर ओथेलो जो पढ़े होंगे तो उसमें जब ओथेलो जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग से आउट ऑफ जेलिसी अपने वाइफ का मर्डर कर देता है, और फिर वो उसको रियलाइज़ होता है कि वो ईर्ष्या के कारण उसने किया, उसकी वाइफ जो है वो अच्छी थी, तो चिल्ला उठता है, वाइफ, माई वाइफ, माई वाइफ, एंड आई हैव नो वाइफ, माई वाइफ, माई वाइफ, एंड आई हैव नो वाइफ। तो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जब आप किसी मंच पर जाइए और ये सब करना पड़े, तो आपको ये बहुत एडवांटेज करता है। तो लेट अस सी कैसे हम करते हैं इसको, इसको बोल कर ही पढ़ें, और स्पीक लाउडली एंड स्पीक क्लियरली, दो चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिए, स्पीक लाउडली एंड स्पीक क्लियरली, जोर से बोलें और अस्पष्ट बोलें। तो इससे क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट देता है आपके दिमाग को, एक मनोवैज्ञानिक एडवांटेज देता है, इफ़ यू स्पीक लाउडली एंड इफ़ यू स्पीक क्लियरली। तो जैसे आप इसको कहें कि हाँ, कितनी कितनी बदसूरत, हाउ अगली, हाउ से भी बनाते हैं, हाउ अगली, हाउ सिली, कितनी मूर्ख, और कितना सरल, हाउ सिंपल या हाउ इजी, ऐसे करके। तो कितना सीधा, हाउ जेंटल, कितना चालाक, हाउ क्लेवर, हाउ क्लेवर, हाउ जेंटल, हाउ लेजी, कितना नीच, कितना नीच मतलब होता है मीन, हाउ मीन, कितना नीच, कितना बेशर्म, हाउ सेमलेस, हाउ सेमलेस, और कितना नेक, हाउ नोबल। तो ऐसे आप जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कर सकते हैं। कितना कितना गंदा, हाउ डर्टी, कितना गहरा, हाउ डीप, कितना साहसी, हाउ बोल्ड, कितना घना घना, हाउ थिक, कितना अधेरा, हाउ डार्क। तो आप देखते हो कि इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाउ ब्लाइंड, हाउ ब्लाइंड, हाउ ब्लाइंड मतलब होता है कितना अधेरा, अधेरा, हाँ अधेरा, डार्क, हाउ ब्लाइंड मतलब कितना अंधा, जो दिखाई नहीं जिसको पड़ता है, हाउ ब्लाइंड इज ही, वो कितना अंधा है मतलब आँख रहते हुए भी देख नहीं सकता। तो इस पेशन में पूछता है, हाउ डार्क, कितना अधेरा, हाउ डार्क, नथिंग वॉज सीन, हाउ डार्क, नथिंग वॉज सीन, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, हाउ डार्क, ऐसे करके। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, अब कैसे से, कैसे कैसे में व्हाट का प्रयोग कीजिए, कैसा बेवकूफ, व्हाट ए फूल, कैसा पौधा, व्हाट ए प्लांट, कैसा विश्वासघात, व्हाट ए फेथलेसनेस, व्हाट व्हाट फेथलेसनेस, फेथलेसनेस, विश्वासघात, और कैसी पत्नी, व्हाट ए वाइफ, ऐसे करके। और फिर इसके बाद कैसा देवदूत, व्हाट एन एंजल, एंजल मतलब होता है देवदूत, व्हाट ए डेविल, कितना शैतान। तो ऐसे चूंकि एक्सक्लेमेशन से बहुत छोटे छोटे वर्ड्स को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ये तो पूरा
जो है हर समय नहीं रहता, लेकिन एटलीस्ट सम सेंटेंसेस विच वी यूज फॉर एक्सक्लेमेशन वी हैव टू सी हियर. अच्छा, कितना बड़ा बेवकूफ. दूसरा स्ट्रक्चर, व्हाट अ बिग फूल. कितना बड़ा बेवकूफ, व्हाट अ बिग फूल. कितना महान व्यक्ति, व्हाट अ ग्रेट मैन. कितना महान व्यक्ति, व्हाट अ ग्रेट मैन. और कितनी प्यारी लड़की, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल. व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल. इसमें एक्सक्लेमेशन सब में पड़ेगा, सब में जो है एक्सक्लेमेशन दीजिएगा. व्हाट अ ब्यूटी गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ग्रेट मैन, व्हाट अ बिग बिग फैन या बिग फूल. यस. कितनी गंदगी, कितनी गंदी गली. व्हाट अ डर्टी लेन. कितना, कितनी उदार पेशी. उदार, जेनरस. व्हाट अ जेनरस बिलेवेड. और कितना कितनी ऊंची बिल्डिंग, कितनी ऊंची बिल्डिंग. व्हाट अ टॉल बिल्डिंग. कितनी ऊंची का मतलब होता है टॉल. तो व्हाट अ टॉल बिल्डिंग, कितनी ऊंची बिल्डिंग का मतलब होता है व्हाट अ टॉल. व्हाट अ टॉल बिल्डिंग, तो कितनी ऊंची बिल्डिंग. तो और आगे देखते हैं, आपको कैसे लग रहा है, हाउ डू यू फील. और फिर जो है हम हाउ से बनाते हैं. हाउ से, हाउ से कैसे बनाते हैं. जैसे कितनी लंबी रस्सी, कितनी लंबी रस्सी. तो हाउ से बनाएंगे, हाउ के बाद जो है एडजेक्टिव रखो. हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग द रोप इज. हाउ लॉन्ग द रोप इज, कितनी लंबी रस्सी. और वह नदी कितनी गहरी. हाउ डीप इज द, हाउ डीप द रिवर इज. हाउ डीप द रिवर इज, हाउ डीप द रिवर इज. नदी कितनी गहरी. और वह, हाँ, वो कितना मूर्ख, वह कितना मूर्ख आदमी है. व्हाट अ फुलिश मैन ही इज. व्हाट अ फुलिश मैन ही इज. आप उसको पढ़िए, जोर से पढ़िए. और दो चीज़ आप जरूर ध्यान में दीजिए जो मैंने आपको कहा है, कि जब भी बोलिए यू स्पीक लाउड, और जब भी बोलिए यू स्पीक क्लियरली. दैट विल हैव अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन योर कैरेक्टर. आपके चरित्र पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है. अगेन, अब देखते हैं कि वह कितनी नटखट लड़की. व्हाट ए नॉटी गर्ल सी इज. व्हाट ए नॉटी गर्ल सी इज. और फिर वे कितने बुद्धिमान हैं. हाउ वाइज दे आर. हाउ वाइज दे आर. तो एक स्ट्रक्चर इस तरह से हुआ. और एक स्ट्रक्चर यह भी है कि कितना बुद्धिमान आदमी, कितना बुद्धिमान आदमी. ये भी जो है एक्सक्लेमेशन है आश्चर्य से. कितना बुद्धिमान आदमी. सच ए वाइज मैन. सच ए वाइज मैन. कितना आश्चर्यजनक चीज. सच ए वंडरफुल थिंग. सच ए वंडरफुल थिंग. और कितना निर्लज लड़की. कितना निर्लज लड़की. कितनी निर्लज लड़की. सच ए सेमलेस गर्ल. सच ए सेमलेस गर्ल. और कितने अच्छे लोग. कितने भले लोग. सच ए गुड पीपुल. कितने अच्छे लोग. सच ए गुड पीपुल. और कितना निर्दोष बालक. सच एन इनोसेंट बॉय. सच एन इनोसेंट बॉय. और जो है इस तरह की गलती. इस तरह की गलती. सच ए मिस्टेक. सच ए मिस्टेक. ऐसे एक्सक्लेमेशन होता है. तो एक स्ट्रक्चर ये भी हुआ. और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. हाँ. और
उसकी नानी कितनी बुढ़ी है, हाँ उसकी नानी कितनी बुढ़ी है, हाउ ओल्ड हर ग्रैंड मदर इज, हाउ ओल्ड हर ग्रैंड मदर इज, उसके बाल उसके दांत कितने उजले हैं, उसके दांत कितने उजले हैं, हाउ वाइट हिज टीथ आर, हाउ वाइट हिज टीथ आर, बंदर कितने चंचल हैं, हाउ एक्टिव द मंकी इज, हाउ एक्टिव द मंकी इज, और इसके बाद दूसरा एडवर्ब से आप बना सकते हैं हाउ प्लस एडवर्ब, जैसे वह कितना मधुर बोलता है तो हाउ, हाउ नहीं नहीं हाउ स्वीटली नहीं ये नहीं, हाउ स्वीट सी स्पीक्स, तो हाउ स्वीट सी स्पीक्स, कितना बुद्धिमानी से वह उत्तर देता है, हाउ इंटेलिजेंटली सी आंसर्स, वह कितना बुद्धिमानी से उत्तर देती है, हाउ इंटेलिजेंटली सी आंसर्स, हाउ इंटेलिजेंटली सी आंसर्स, वह कितने कितने हर्ष से, वह कितने हर्ष से गीत गाती है, वह कितने हर्ष से, हाउ जॉयफुली कितने हर्ष से, वह कितने हर्ष से गाना गाती है गीत गाती है, हाउ जॉयफुली सी सिंग, हाउ जॉयफुली सी सिंग्स, हाँ कितने कितने हर्ष से गाना गाती है, और वह कितनी बुद्धिमानी से उत्तर देता, ये तो बना लिया, और कितने ध्यान से वह अध्ययन करता है, हाउ अटेंटिवली, हाउ अटेंटिवली ही आर सी स्टडीज, हाउ अटेंटिवली, अटेंटिवली मतलब कितने ध्यान से वो अध्ययन करता है, तो इस तरह से हाउ और एडवर्ब से आप बना सकते हो, और इसके बाद जो है इसमें कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जैसे वाह वाह करना होता है, जैसे वाह वाह तो उसको कह के क्या कहेंगे, ब्रेव, जैसे कोई दौड़ रहा है और उसको आप जो है शाबाशी देना चाह रहे हैं तो आप वाह वाह कहेंगे, और अंग्रेजी में कहेंगे ब्रेव, और या कहिएगा बकअप, बकअप मतलब बकल अप मतलब ये बेल्ट बांध करके शाबाशी देना, बकल अप उसका है, लेकिन कहा जाता है बकअप, बकअप आप लोग कहते हैं, तो ये इस शाबाशी देना होता है, और फिर कहते हैं कि बकअप कहते हैं, और हुर्रे भी कहते हैं, अगर आप खुशी में हैं तो हुर्रे, फाइनल विक्ट्री है तो आप हुर्रे कहते हैं, और ओ डियर, ओ डियर का मतलब अरे यार, अरे यार, ओ डियर, और जब घृणा तिरस्कार जैसा कोई चीज़ करना होता है तो आप कहते हैं पुह पुह, राम राम, राम राम गलत हो गया, राम राम समथिंग वेंट रॉन्ग, राम राम पुह पुह कहते हैं, पुह पुह, और जो है अफसोस करने को कहते हैं ओ ओ ओ यस ओ ओ आई हैव लॉस्ट द बैटल, ओ आई हैव लॉस्ट द मैच, ओ आई हैव लॉस्ट मनी, ऐसे कह सकते हैं, तो एलास, एलास का मतलब भी होता है तकलीफ, एलास आई एम ड्यून्ड, एलास आई एम ड्यून्ड, अफसोस है कि मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, अगर कहना बर्बाद हो गया तो एलास आम रूइंड, एलास आम रूइंड, और फिर ब्रियो वी हैव वन, हम जीत गए तो ब्रियो कहते हैं, और एलास और आ, तो ये सब जो है एक्सक्लेमेशन है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, और ये वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है, और खुशी में दुख में तकलीफ में इनका एक महत्व होता है, और
ये प्रयोग किए जाते हैं, इनका अनुवाद होता है। और इनका अनुवाद जो है, हमने बताया कि होता तो है अनुवाद, लेकिन इसको बोलने का एक टोन होता है, एक स्पेशल तरीका होता है जिसको बोलते हैं। जैसे आप सचमुच आश्चर्य में हैं तो कोई शब्द बोले व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, आश्चर्य में व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो आश्चर्य में बोल रहे हैं, व्हाट ए सरप्राइज, व्हाट ए डेडली आउंट, मतलब घाव लग गया है, कितना गहरा घाव है, व्हाट ए डेडली आउंट, व्हाट ए चीट, मतलब कितना धोखेबाज निकला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम बनाते हैं, इसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस होता है और इसको भी सीखने का एक क्रम है। तो दोस्तों, वीडियो को आप निश्चित रूप से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को भी दिखाइए। और आगे कुछ दिनों में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इस तरह के वीडियो जो है आप नहीं पाएंगे जिसमें कंटेंट के मामले में ये वीडियो सबसे अच्छा होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।